साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए TMA यानी NIOS के 10th क्लास का असाइनमेंट और डेटा एंट्री का उर्दू में, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया गया है। तो पहला सवाल है कि पहले का मैंने भी करा है, कंप्यूटर से फाइल या फोल्डर को हजफ़ करने का मराहिल लिखिए यानी डिलीट करने के। तो इसका जवाब है, कंप्यूटर से फाइल या फोल्डर को हज़फ करने के तरीके दर्ज ज़ेल हैं। पहला स्टेप है कि सेलेक्ट फाइल या फोल्डर, दूसरा स्टेप है राइट क्लिक और सेलेक्ट, तीसरा ऑप्शन है डिलीट, तो इससे फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। सवाल नंबर दो है कि रिसाइकल बिन प्रोग्राम से बाहर निकलना, दो चीज़ें बतानी, रिसाइकल बिन क्या है। जवाब है इसका पहले का रिसाइकल बिन, इसमें हमारी डिलीट की हुई फाइलें चली जाती हैं, इससे हम अपनी फाइल को रीस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले का सवाल का जवाब हो गया, इसी तरह आपको लिखना है अच्छे से। दूसरा है कि इसी का दूसरा पॉइंट पार्ट है प्रोग्राम से बाहर निकलना। प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए हम कंट्रोल F4 करके फाइल बंद करके या फिर ऑल्ट F4 करके प्रोग्राम से आउट कर देंगे, या फिर प्रोग्राम के राइट क्लिक में सबसे ऊपर काटी पर क्लिक करेंगे तो उससे प्रोग्राम को आउट कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तीसरा मंदा जेल में शॉर्टकट लिखिए, एक मुकम्मल लफ्ज़ मुंतखब करके, एक मुकम्मल पैराग्राफ को मुंतखब करके, मतन को हटाना, दस्तावेज़ को प्रिंट करना। तो इसका जवाब है राइट एरो से एक मुकम्मल लफ्ज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल X और कंट्रोल P, ये इसकी शॉर्टकट कीज थी। अब इसके बाद जो है अगला सवाल है कि वर्कबुक के लिए पासवर्ड मुतय्यन करने के मराहिल लिखिए। जवाब है वर्कबुक में पासवर्ड लिखने के लिए हमको रिव्यू के ऑप्शन में जाना होगा, वहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड मतलब लॉक लगाना वो है, फिर उसके बाद पासवर्ड देंगे और फिर रिपीट पासवर्ड करेंगे तो हमारी वर्कबुक में पर पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल है दस्तावेजात को डेस्कटॉप, ठीक है, फोर्थ डे के नाम से सेव करना। दस्तावेजात में पेज बॉर्डर शामिल कीजिए, हाशिए को 4 पर सेट कीजिए। ईद मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए इंटरनेट से कुछ काबिल तिबात तस्वीर को शामिल कीजिए। तो इसका जवाब आप लिख दें कंट्रोल S और डिस्टेंशन में डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे तो फाइल डेस्कटॉप पर स्पॉट डे के नाम से सेव हो जाएगी। अब इसी में आगे है, इसके लिए हमको सेव करते वक्त फाइल का नाम स्पॉट डे पे लिखना होगा। दूसरे का इसके लिए हम पेज लेआउट में जाकर पेज बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बॉर्डर को चूज़ करेंगे, बॉर्डर के लिए कलर और इसकी मोटाई को भी चूज़ कर सकते हैं। हाशिए को 4 में शिफ्ट करने के लिए पेज बॉर्डर में उसकी मोटाई 4 पर सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम क्लोरीम पर पिक्चर डाउनलोड करके शेप लगाकर शेप में पिक्चर लगा सकते हैं। इसके बाद जो है इसका अगला सवाल है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, आखिरी सवाल है कि ऊपर दी हुई शॉट को बताएं और सेव कीजिए। QTY क्वांटिटी इनटू रेट की तहसीब के लिए सेल ई का फॉर्मूला लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को टी को मज़फ़ करने के लिए सी फार्मूला लिखिए, वाई महज पर एटम के साथ को बार शीट बनाने के मराहिल लिखिए। शीट को सेव करने के लिए कंट्रोल S करेंगे, फाइल का नाम देंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। इसको इस तरह लिखते हैं C3 एस्ट्राइड D3। मैक्सिमम का फॉर्मूला ये है मैक्स C3 सेमीकोलन C6, इस तरह। चार्ट बनाने के लिए हमको इंसर्ट के ऑप्शन में जाना होगा, उसके लिए हमको पहले कॉलम और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाकर बार चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके लिए जो इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ बनाया गया, आज से पहले किसी ने उर्दू में सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट
हाँ नहीं बनाए होंगे, हमने आपके लिए बना दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।